सहारा इंडिया की दैनिक भास्कर में आई बड़ी राहत भरी खबर। सहारा के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे लौटाने में जुटी सरकार, 5 महीने में ही चेक के माध्यम से मिलेगी रकम। बड़ी अपडेट सहारा इंडिया की है। सहारा की जिन 4 सहकारी समितियों में निवेश किया गया है उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्ट मल्टीपर्पस शामिल हैं। सबसे अधिक पैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया गया है। तो इन सभी निवेशकों के लिए बड़ी ताज़ा अपडेट हमारे पास आई है। बड़ी अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं, जागरण ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली से आई है। सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियों में 10 करोड़ निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपया वर्षों से अटके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सितंबर से पहले तक सारे पैसे लौटाने हैं। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मंत्रालय पैसे वापसी की प्रक्रिया करने में जुटी है। प्रयास है कि 4-5 महीने में ही सारे पैसे पारदर्शी तरीके से लौटा दिए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी तैयारी मंत्रालय द्वारा की जा रही है। मंत्रालय की प्रारंभिक कवायद के मुताबिक निवेशकों को चेक के माध्यम से पैसे लौटाए जाएंगे। वापसी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। वास्तविक निवेशकों को उचित पहचान और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। उनकी जमा राशि और उनके दावों के मिलान के बाद ही उन्हें बैंक खातों में जमा किया जाएगा। सहारा की सोसाइटियों में निवेश करने वालों में अधिकतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के। पैसे वापसी को लेकर कई राज्यों में लगातार आंदोलन चल रहा है। पैसा जमा करने वाले अधिकतर लोग मध्य निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए सुकून भरी खबर है क्योंकि उनको बकाया ब्याज सहित पैसे मिलेंगे। लेकिन भुगतान से पहले निवेशकों के दावों को सत्यापन ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सबमिट किए जाएंगे, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट अभी नहीं खोली गई जिससे निवेशकों के आवेदन वहाँ पर सबमिट किए जाए। अभी केवल यहाँ पर यहाँ पर एक अपडेट आई है कि बहुत जल्दी निवेशकों को पैसा दे दिया जाएगा। सहारा से भी रिफंड खाते में अभी निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा है। केंद्र सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र करने का निर्देश दिया है। वैध निवेशकों को उनकी पहचान और जमा उचित प्रमाण के आधार पर ही उनके बैंक खातों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 सोसाइटियों का पैसा वापस किया जाएगा और सहारा की जिन 4 सोसाइटी समितियों में निवेश किया गया है उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्ट मल्टीपर्पस शामिल है। तो दोस्तों ये थी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी आज की सहारा इंडिया की ताज़ा अपडेट। अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए जो इस खान को दे ज़्यादा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।